तरीके से बन पा रहे होते हैं। तो वो सब चीजें जैसे जैसे हम लोग देना बंद कर देते हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रोटीन्स के बारे में ना, कैल्शियम के बारे में बताऊंगी भी ना, तो प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आस्पेक्ट को ना हम लोग अक्सर ना कहीं मिस कर जाते हैं। बच्चों में भी हम लोग प्रोटीन के बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं, नॉर्मली हम कैल्शियम की बात कर रहे होते हैं, आयरन की बात कर रहे होते हैं, आयरन भी हम लोग कहीं ना कहीं डेफिशिट में आ जाते हैं। तो बच्चों को अगर हम रेगुलर उसमें अगर आयरन के सप्लीमेंट्स को भी थोड़ा, जैसे नोनी बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए, पर नोनी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो नोनी जैसे से हम बात करते हैं, जैसे अभी इस वक्त में मैंने आपको बताया कि जो कोविड वाला जो एरा चल रहा है ना, तो इसमें जैसे एक मल्टी विटामिन है, दिन में एक ले लिया है ना और बच्चों को भी दिया, तो ये आपके जो न्यूट्रिशनल गैप होता है उसको फुलफिल कर रहा होता है। आपका बढ़ने लगता है तो आपको हाइपो में हो जाते हो, है ना, और आपको थायराइड की कमी आने लग जाती है। तो क्योंकि ये सारे के सारे हार्मोनल डेफिशिएंसीज होती हैं आपकी, है ना, तो जैसे जैसे आपको पता कैसे लगेगा कि आपकी थायराइड की कोई प्रॉब्लम शुरू हो, तो हाइपो हो जाएगा या हाइपर थायराइडिज्म होने लग जाएगा, आपके बाल एकदम पतले होने लग जाएंगे, बाल बहुत ज्यादा गिरने लग जाएंगे, आपके विजन में बहुत दिक्कत आने लग जाती है, आपके फेस पे क्या होता है पफिनेस आने लग जाती है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड क्या होता है बढ़ने लग जाता है बेसिकली, एनलार्ज होने लग जाता है, तब वो हाइपोथायरॉइडिज्म में आ जाता है। ये उल्टी चीज होती है, हमें लगता है ना बोलने पे लग रहा होता है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लग जाती है, तो ये सारी जो सिम्टम्स है ये सारे आपके हाइपोथायरॉइडिज्म को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपका वेट गेन होने लग जाता है, आपकी मेमोरी बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी जो मेमोरी है एकदम से ना याददाश्त आपकी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और आप ना किसी भी चीज को ना मतलब टॉलरेट नहीं कर पाते हो, आपकी सेंसिटिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाती है, आप कोल्ड को नहीं टॉलरेट कर पाओगे, आप ना बहुत जल्दी जल्दी थकने लग जाते हो। तो बेसिकली जो सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म के होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो थायराइड की जैसे जैसे मैं बात करूं आपको ना, चाहे वो हाइपो हो चाहे वो हाइपर हो, है ना, जो ये सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास में ना इस वक्त में, तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। मैंने बताया ना अखरोट बादाम का काम कर रहे होते हैं, अगर किसी को है तो ठीक है, एक अलग बात है, और उसको मतलब कैसे ठीक करना है, प्लस किसी को ना हो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हेल्थ हम लोग काम जब कर रहे होते हैं तो हम लोग अपने कोई चीज को ना होने दें, है ना, हेल्थ हम लोग तभी बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास है मोदी केयर में जो सप्लीमेंट्स हैं इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, वो है नोनी। नोनी के बारे में हम सब बहुत अच्छा जानते हैं, शायद मेरे ख्याल से 80% ऑफ दी जो कंसल्टेंट्स हैं वो नोनी के बारे में ही नोनी के साथ ही काम कर रहे थे, है ना, और नोनी के साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छा इससे बिजनेस वैल्यू भी आता है। नोनी अपने आप में एक पूरा एक कंप्लीट सप्लीमेंट है, बेसिकली नो इंजेक्शन नो ऑपरेशन कहते हैं ऐसा, है ना, तो अगर इसको रेगुलर वे में लिया जाए तो ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, आपके हार्मोन से बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, बेसिकली आपके जो सेल्स जो वीक हो जाते हैं उसको रीजनरेट करता है, इससे बहुत सारे फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो जो आपको लड़ने में बहुत मदद करते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी है, प्लस ये इसमें जो सबसे अच्छी चीज है इस वक्त के लिए मुझे लगता है कि विटामिन सी बहुत अच्छा लेवल पे आता है। उसके बाद मैं दूसरी बात करूं फ्लैक्स सीड्स की है ना, फ्लैक्स ऑयल, फ्लैक्स ऑयल जो है, फ्लैक्स ऑयल बेसिकली हमारे पास में जो है वो है ओमेगा 3, 6 और 9 वो आपके सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी नॉर्मली नहीं बना रही होती, हमें बाहर से लेने होते हैं, तो ये वाले सप्लीमेंट हमें इसमें कंप्लीट फॉर्म में मिलते हैं, और बहुत ही मतलब हमारी जो भी कमियां हैं जो नॉर्मली बहुत सारी, जैसे कि ना इनफर्टिलिटी की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, स्किन की बहुत प्रॉब्लम होती है, एंटी इंफ्लेमेटरी जो डिजीज होती है बेसिकली, है ना, वो हमारी इस फ्लैक्स सीड से बहुत हद तक हम उसको रिकवर कर पाते हैं। कैल्शियम जिसे बताने की शायद मुझे लगता है जरूरत नहीं है, जो हमारी शायद सर से लेके पांव तक हर एक चीज में यूज हो रहा होता है, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपके आपको सर्वाइकल हो रहा है, इन दिनों जो मुझे लगता है जो ये बहुत सारी चीजें हैं ना, क्योंकि आजकल घरों में लोग रहते हैं, है ना, और मतलब क्योंकि हेल्थ पे बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पा रहे होते हैं, घर में बैठे हुए आराम से ना टीवी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा हाथ में ये फोन बहुत ज्यादा आ गए, एक रेडिएशन का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, और तो कैल्शियम लेवल जो जैसे जैसे डाउन होने लग जाता है आपका ना, तो आपको ये बाल झड़ना, आपकी हड्डियां कमजोर होना, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, है ना, ये सारी चीजें आपको तो आपके हार्मोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं ये, तो जैसे जैसे हार्मोन्स पे इफेक्ट करेंगे आपकी जो डेली रूटीन की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो कम होने लग जाती है। फिर लास्ट चीज है मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन जैसे मैंने आपको भी बताया, मल्टीविटामिन की जो सप्लीमेंट है हमारी जो ये मोदी केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये कि जितनी इसमें गोलियां होती हैं वो आपके एक महीने का पूरा डोज होता है ना, तो जैसे कि सब मल्टीविटामिन में आपका 30 गोलियां होंगी, मतलब वो महीने में, मतलब आप दिन में एक ले सकते हो, ठीक है, तो ऐसी फ्लैक्स ऑयल में जैसे कि आपकी 90 होती है जेल्स होती, तो आप इसको दिन में 1 से 3 तक आप इसकी
कैप्सूल्स को ले सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूरिक एसिड की। नेक्स्ट स्लाइड सर। जो यूरिक एसिड की जो आजकल प्रॉब्लम्स हैं, मुझे लगता है ये ना मतलब फीमेल्स में बेसिकली ज्यादा मिलती है ना, और इसकी कॉमन साइन एंड सिम्टम जैसे कि सडन एंड सीवियर ज्वाइंट पेन होने लग जाता है, आपके ना ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आने लग जाती है, आपके ज्वाइंट्स में स्टिफनेस आ जाती है, और आपको ना हल्का हल्का फीवर, फीवर का तो बेसिकली मतलब इधर आप फीवर अगर हो रहा है इसके मतलब कोई ना कोई बीमारी आपको लगने वाली। फीवर इज नॉट अ डिजीज, बेसिकली इट इज अ साइन एंड सिम्टम ऑफ एनी डिजीज। तो ये सारी चीजें यूरिक एसिड जैसे जैसे आपका बढ़ने लग जाता है बेसिकली। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं हमारे पास में, और फीमेल्स पे बहुत अच्छा मतलब मैंने इस पे काम भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ये मैंने जिस जिस को भी आज तक रिकमेंड किया है उन सबके बहुत अच्छे रिजल्ट आए, 100% रिजल्ट आया मेरे पास में ना इसका। तो जैसे मैं अभी इसके सप्लीमेंट्स बताऊं कि जैसे डिटॉक्स है ना, तो डिटॉक्स एक बहुत ही बढ़िया वाला हमारा सप्लीमेंट है, इसमें सारे के सारी देसी चीजें हैं आपके ना, तो त्रिफला है, भृंगराज है, ये सारी चीजों से मिला करके डिटॉक्स को बनाया गया है। तो बेसिक ये बहुत अच्छा काम करता है आपके आपके जितने भी जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह को रिलीज करने में करता है, तो यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं देता है बेसिकली, है ना। तो जब ये सारी की सारी चीजें जैसे आपके अंदर में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी गड़बड़ हो गई है ना अंदर में, आपने कुछ खाया पिया गलत हो गया है ना, यूरिक एसिड बढ़ गया, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो पीएच वैल्यू होती है वो जो अल्कलाइन नेचर का होता है हमारा, वो है ना जो अंदर में जो यूरिन होता है वो उसके लेवल को मेंटेन करने 7 होती है हमारे नॉर्मल यूरिन जो वैल्यू होती है पीएच वैल्यू, पर वो बढ़ने लग जाती है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, अपने रूटीन में कॉम्प्रोमाइज करें, पानी बहुत कम पी रहे हैं, और कुछ कुछ डिजीज साथ में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक एज जो एज वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें ना, तो उसमें जो सप्लीमेंट्स आपके जो काम आते हैं ये जैसे एक एलोवेरा, एलोवेरा एक बहुत ही बढ़िया वाला सप्लीमेंट है, अगर इसको आप कॉम्बिनेशन के साथ मिले एलोवेरा और आंवला को, तो आपके एंटीऑक्सीडेंट और आपके मतलब बहुत बढ़िया वाला एंटीऑक्सीडेंट वाला काम कर रहा होता है, क्योंकि ये आपके अंदर में जो ऑक्सीजन की जो कमी होती है, जो ब्लड के अंदर में जो ऑक्सीजन लेवल की जो कमी हो जाती है, इससे बहुत अच्छा काम करता है, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। तो जो और जो आपका यूरिक एसिड जो आपका गड़बड़ हो रखा है ना, तो आपके जॉइंट्स पेन जिसकी वजह से हो रहे हैं, आपके अंदर में जो नमनेस वगैरह आने लग जाती है, आपको सुनपन बहुत ज्यादा महसूस होने लगता है, और आपके पैरों में स्वेलिंग आने लग जाती है। तो जैसे जैसे आप रूटीन में लेने लग जाते हो इन सब चीजों को, आंवला एलोवेरा को इकट्ठा होकर करके या फिर अलग अलग करके जैसे आपको रूटीन में लग रहा है, क्योंकि इसका कोई नुकसान नहीं है, आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं ना, मतलब इतना सेफ है ये। तो ये चीज जैसे जैसे आप लेने लग जाते हो आपका यूरिक एसिड वाला प्रॉब्लम ठीक होने लग जाता है। तीसरी और जो जो चौथी चीज है कार्डियो एक्टिव, कार्डियो एक्टिव बेसिकली हमारे हार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, लेकिन कार्डियो एक्टिव में जो सबसे अच्छी चीज है वो एक जो हमारे यूरिक एसिड मतलब अर्जुन का, अर्जुन की छाल। तो ये जो जो ये क्योंकि ये सारी चीजें देसी हैं, है ना, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है बेसिकली, तो जब इनके जिनके साइड इफेक्ट इतने कम होंगे तो मुझे लगता है कि तो इनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि सारी की सारी चीजें बहुत ही नेचुरल चीजें हैं, और यहाँ पर भी कोई भी ना इसमें मतलब कोई नुकसान वाला काम नहीं कर रहे होते हैं, तो इसका कोई भी ना एंटी वाला काम कुछ भी नहीं हो रहा होता है। नेक्स्ट बीमारी जो है अर्थराइटिस, जो आजकल मुझे लगता है पहले तो कहते थे इसको अर्थराइटिस एंटी एजिंग है ना, मतलब जैसे जैसे कि एज जैसे जैसे बढ़ने लग जाती है आपको अर्थराइटिस, ज्वाइंट्स का पेन होने लग जाता है, आपकी मूवमेंट्स कम हो जाती है, और आपके ज्वाइंट्स में स्टिफनेस आने लग जाती है, आपके ज्वाइंट्स में स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस आ जाएगी, और मतलब आपका जो घुटने हैं बेसिकली जवाब दे जाते हैं, है ना। और क्योंकि अब आप बहुत लंबे टाइम तक जब किसी चीज को बीमारी को सहन करते रहते हो तो क्या होता है एक डिफॉर्मिटी बन जाती है, आपकी जो पैरों की जो बनावट है वो डिफरेंट हो जाती है। कभी कभी ना जब आप किसी अर्थराइटिस वाले पेशेंट को चलते हुए देखेंगे तो उनको आपको लगेगा कि यार इसका या तो एक पैर छोटा या एक पैर लंबा हो गया है ना, क्योंकि वो बनावट है वो कहीं ना कहीं झुक जाती है। तो ये चीजें अर्थराइटिस जो है ये बहुत और बहुत कॉमन है इंडिया में, लगभग जब पीछे कभी स्टडीज हुई तो 68-70% लोगों को अर्थराइटिस मिल जाता है, और आजकल तो ये 30 इयर्स के बाद में भी होने लग जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अर्थराइटिस के साथ में होती है वो है कैल्शियम की कमी, कैल्शियम और कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर में ग्लूकोसोमिन की कमी हो जाना। तो ये चीजें आपकी क्योंकि एंटी एजिंग के साथ में ये मुझे लगता है आजकल जो हमारा खाना पीना है वो बहुत ही खराब हो रखा है ना, हम अपने रूटीन वाली चीजों में जो सप्लीमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिशनल गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो वो गैप बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमें ये सारी की सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ जाती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ने लग जाती है आपको ये चीजें मतलब आपकी इनटॉलरेट होने लग जाती है, लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से इस चीज को अगर हम ध्यान दें इसके ऊपर में, तो मुझे लगता है ये सारी चीजें जो न्यूट्रिशनल गैप है हमारा, है ना, कुछ तो हो गया है, और जिनको नहीं हुआ है वो
जिसको हो गया उसको भरने में काम करेगा, और जिसको हो गया है उसको कवर अप करने में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। जैसे मेरे को अभी कोविड टाइम पे बहुत ज्यादा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जैसे मेरे को है ऑस्टियोआर्थराइटिस का हो गया था, लेकिन मैंने ना कैल्शियम अपना ग्लूकोसम इनको बहुत अच्छा रूटीन में लिया है, तो ये और प्रोटीन पाउडर, तो इससे बहुत सारी चीजों पे हेल्प मिलता है आपका। तो ग्लूकोसामिन बेसिकली, जैसे कि हम कहते हैं कि ग्लूकोसामिन कार्डियोलॉजिस पे काम कर रहा होता है, कार्डियोलॉजिस अक्सर ना क्या होता है घिसने लग जाते हैं आपके ना जॉइंट्स के अंदर में जो होते हैं, तो ग्लूकोसामिन लेकिन लेने के साथ में आपको कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। तो अगर कैल्शियम आप, जैसे आप कहते हैं कि दही जमाने के लिए दूध तो चाहिए होता है ना, तो बेसिकली ग्लूकोसामिन आपका काम तभी अच्छा करता है जब आप कैल्शियम साथ में लेते हो। तो ग्लूकोसामिन अगर आपको सच में किसी को अर्थराइटिस है तो उसको सुबह दो और शाम को दो, मतलब ये एक रूटीन है, 3 महीने तक आपको पहले देना ही देना है उसको, है ना, और कैल्शियम भी रेगुलर देना है। तो जब आप इस पे बिल्कुल एकदम स्टिक होकर के अगर जब काम करते हो तो आपको वाकई में लगेगा आपको 2 महीने के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। फ्लैक्स ऑयल जो है आपको एंटी इंफ्लेमेटरी का काम कर रहे होते हैं, आपके अंदर जो सूजन आ जाती है बेसिकली ना अर्थराइटिस के टाइम पर, उससे बहुत अच्छा काम करेगा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा, और आपके अंदर में जितने हार्मोनल इंबैलेंसेस हो जाते हैं अर्थराइटिस के बाद में क्या होता है चीजें कटने लग जाती है, कैल्शियम खत्म होने लग जाता है। फिर आपका एक नोनी है, नोनी मतलब आपके जो जो सेल्स है, जैसे मैंने बताया है ना, जो सेल्स को वापस से फॉर्म करता है, टिश्यूज जो मरने लग जाते हैं वापस उसमें जान डालता है, और जो ये आप सप्लीमेंट्स खा रहे हो उसको, वो जो काम एक्चुअली उसका है ना, ग्लूकोसामिन का जो एक्चुअली काम है वो वहीं पर जाकर काम करेगा। तो बेसिकली नोनी आपका इन सब चीजों में हेल्प कर रहा होता है। शिलाजीत ओजस एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट आया है, जो कि शायद मतलब इसके अगर मैं गुण बताऊं तो फायदे बहुत सारे हैं इसके, और आपके अर्थराइटिस में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है फिलहाल, है ना। और ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है आपकी डेली रूटीन की जितनी भी जो प्रोटीन की जो कमियां है उसको पूरा करता है। तो अर्थराइटिस में एक बहुत, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल और आपका ग्रोथ डेवलपमेंट पे कहीं ना कहीं आपका डेफिशिएंसी हो रही है, तो इसीलिए आपका बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो ये सारे सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं जो अर्थराइटिस में आपके काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम प्लीज। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, कहने को ये कोई बीमारी नहीं होती है, पर मुझे लगता है हर दूसरे से तीसरा इंसान, मुझे लगता है आजकल जो खासकर मुझे डेलियाइट्स को जो प्रॉब्लम्स होने लग गई है, क्योंकि इसका बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा जो रूटीन है, हमारा जो वर्क कल्चर है, हमारा जो आजकल जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है, और हम अपने लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकाल पा रहे। तो लोग घर पे रह रहे थे, उनको शायद ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि खाना पीना बहुत ही नॉर्मल हो रखा था, हम लोग गलत खा रहे थे, है ना, बहुत ज्यादा खा रहे थे या बहुत कम खा रहे थे, अल्कोहल है, स्मोकिंग बहुत ज्यादा करने, क्योंकि अब कुछ और काम नहीं तो चलो यार यही सब चीज है ना। तो इसीलिए ये एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट है ये एक बहुत बड़ी वाली कॉमन सा साइन एंड सिम्टम है, जो आज मिलता है हर दूसरे तीसरे इंसान को हो रखा है। इसके लिए जो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं, बेसिकली सप्लीमेंट्स के साथ में कुछ टिप्स है, मुझे लगता है हर इंसान को देख लेना चाहिए, है ना, मतलब खाने के बाद में आपको, और सोने से कम 3 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए अपना, ठीक है। और आपको अपना जो फैटी जो चीजें हैं, बर्गर है, आप पिज्जा है, घर में आजकल सब लोग अपना एक वो आजकल मुहिम चला रखा था, चलो आज ये बनाया जाए, आज वो बनाया जाए, तो खाना कहीं ना कहीं हमारे पेट में जा रहा था, है ना, और मतलब वो इतना अलग, और जैसे आजकल लोगों ने घर में बर्गर बनाना भी शुरू कर दिया था, पिज्जा बनाना भी शुरू कर, तो वो कहाँ जा रहा था, सीधा हमारे पेट में, पर वो खाना इतना ज्यादा होने के बाद, लेकिन क्योंकि मूवमेंट्स बहुत कम हो रही थी कोविड के टाइम पे, तो अभी कोविड की बात ना भी करें तो भी शायद भी लगता है हमारी जो रूटीन है वो बहुत खराब हो रखा है। तो कुछ टिप्स है, मुझे लगता है ये सबको फॉलो करने चाहिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंटली खाना है, और खाने के कम से कम 3 घंटा सोने से पहले 3 घंटा खाना खाना है। तो बेसिकली इन सब की चीजों की वजह से क्या होता है कि आपके जो अपर और जो लोअर एब्डोमिनल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आपके जो अपर एब्डोमिनल है उसमें जीईआरडी जैसे डिजीजेस होती है ना, पेप्टिक अल्सर्स हैं, आपका गैस्ट्राइटिस है, आपको मतलब बहुत सारी जो जैसे गॉल स्टोन्स है ना, इरिटेबल आपका बवल सिंड्रोम हो जाता है, आपको पता नहीं लगता, आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी कभी बहुत ज्यादा डायरिया टाइप से हो जाएगा, आपको इंफ्लेमेटरी बवल सिस्टम मतलब अंदर ही अंदर में कहीं ना कहीं सूजन आ जाती है, क्योंकि आपका सिस्टम, आपका जो खाने का जो वो जो आपने जो रूटीन बना लिया है जो, है ना, वो इतना खराब हो रखा है, आप सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, है ना, फिर बीच में एकदम से अनइवन टाइम पे बहुत सारा खा रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आप पेट को उतना समझ में नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिजीज कंडीशन में आप इसको क्रिएट कर देता है, और ये अपर और लोअर आपके उसमें कहीं ना कहीं बीमारियों को पनपा देता है। अभी बीमारियां
और हमारा रूटीन है, इसको सुधारना तो है ही साथ के साथ में। हम बहुत अच्छे सप्लीमेंट जो नोनी के पास हमारे जो मोदी केयर में है, वो सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। अगर आप इसको रूटीन में लोगे तो जो बहुत पुरानी पुरानी से पुरानी बीमारियां हैं उसको भी आप कहीं ना कहीं करेक्ट कर सकते हो। जैसे कि नोनी की बात करी मैंने आपसे ना, नोनी एक बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, मतलब आप, और मुझे लगता है कि 30 से 40 उम्र के बाद में बहुत सारे लोगों को ये ना इनडाइजेशन वाली दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि खाने का जो, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं, ट्रेवलिंग का जो रास्ता है बहुत लंबा है किसी किसी का, है ना, ऑफिस आवर्स बहुत लंबे लंबे हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट सुबह उठते ही, है ना, नोनी को अगर हम जैसे स्टार्ट करें, अपना मॉर्निंग शुरू करें, और ब्रेकफास्ट के 15 से 20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले अगर हम नोनी को ले लें, 15 से 20 ml जैसे हम लोग प्रिस्क्राइब्ड है जो उसमें ना, उसके बाद हमने खाना खाए, तो जितना भी जो भी आप खाना खा रहे हो वो डाइजेशन में बहुत हेल्प कर रहा होता है। प्लस आपका विटामिन सी का सप्लीमेंट बहुत अच्छा दे रहा है। उसी बीच में आपने अपनी एक बॉटल में एलोवेरा और आंवला का जूस बना करके रख लिया, है ना, आपने कुछ भी खा रहे, आप खा तो रहे ही हो, लेकिन अगर बीच बीच में सप्लीमेंट्स करते हो तो आपका एंटीऑक्सीडेंट वाला काम कर रहे होते हैं, और आपकी जो जितने भी आपकी जो जो भी आपने गलत खाया भी है उसको डाइजेशन में बहुत अच्छा हेल्प कर रहा होता है ना। बाकी कुछ सप्लीमेंट जैसे कि आपका डिटॉक्स है, अगर आपको सुबह शाम इसको अगर आप रेगुलर वे में लेंगे, है ना, तो आपका जितना भी आपके पेट की जो दिक्कतें हैं, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स वाली दिक्कतें वाले लोगों के लिए, बवासीर एक मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को होता है, मैंने मैंने प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे लोगों को देखा है, कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। और मतलब आप मानोगे नहीं, पर जैसे एक कॉन्स्टिपेशन की वजह से इनफर्टिलिटी का भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, मतलब इनफर्टिलिटी का, कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो अगर हम इन सब चीजों को अगर हम रेगुलर रखें, तो हमारे बवल सिस्टम को अगर हमें ठीक रखना है ना, अमृत शक्ति जो एक इसमें है, अमृत शक्ति और पुदीन हरा, ये बहुत बढ़िया सप्लीमेंट्स है आपके। लेकिन अगर मैं अमृत शक्ति की बात करूँ, ये मल्टीपल वाला काम कर रहा होता है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिया इसको, और उनको उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो रखा है, और वो रेगुलर इसको लेती हैं, और उनका कहीं कहीं ना एकदम से अटैक होता है, उनको एब्डोमिनल जो क्रैम्प्स वाला जो अटैक होता है वैसा होता है उनको, जब मैं जब से लगातार दिया तब से ये सब चीजें उनको बंद हो गई, और उनका डाइजेशन बहुत अच्छा सिस्टम, क्योंकि गॉल ब्लैडर रिमूव होने के बाद में आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा हिल जाता है। जिन लोगों को आयरन की भी कमी होती है उनको भी कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। आयरन की HB की अगर जब कमी होती है हमारे अंदर में, तो हमारा बाउल सिस्टम खराब हो जाता है। तो नॉर्मली जो एब्डोमिनल की जितनी भी रिलेटेड जितनी डिजीजेस होती है, वो आपका आंवला बहुत अच्छा काम करता है उसमें ना। आप उसको आंवला को और एलोवेरा को अलग अलग करके या एक साथ में करके जब आप लेंगे, तो आपके जो ये जितनी भी ये पाइल्स वगैरह वाली दिक्कत होती है या कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, ये आप इन सब चीजों को रिकवर कर सकते हो। और अगर अमृत शक्ति को मैं कहूँ कि अगर 3 महीने आप लगातार ले लो, जिनको भी पेट वाली, पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, वो बहुत हद तक ठीक हो जाती है, और शायद आगे मेरे ख्याल से। और एक तो मैंने एक अपने एक पंजाबी फ्रेंड को दिया था, जिसको खाने पीने का बहुत ज्यादा शौक था, मतलब वो, मैं आपको उसको बताऊं कि वो जैसे उसके उनके घर में आदत थी कि उनका शाम का खाना बाहर से ही आता था, तो उसको इतना ज्यादा दिक्कत होता था, वो उसको हर दूसरे या तीसरे महीने पाइल्स का दिक्कत होने लगा था, और वो एक बार सर्जरी के लिए भी उसको ऑप्शन मतलब देते थे डॉक्टर्स ने। उसको मैंने अमृत शक्ति प्रिस्क्राइब किया और डिटॉक्स प्रिस्क्राइब किया। आप मानेंगे नहीं, उसका 3 महीने के अंदर में नाउ ही इज वेरी, मतलब उसको ना कभी डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और उसने यही सप्लीमेंट्स को यूज कर करके, और मतलब उसको रेगुलर से नोनी लेना शुरू किया, अपना आंवला एलोवेरा का मिक्सचर बना करके वो अपना एक बॉटल में दिन में एक बार जरूर उसको ले लेता था, और अमृत शक्ति को रेगुलर रखा 3 मंथ्स तक। उसके बाद में अब उसको ऑफ एंड ऑन लेकर के वो करता था। और बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ये सप्लीमेंट्स पे काम किया, तो एब्डोमिनल वाली जितनी भी दिक्कतें हैं वो ये सारी चीजों के साथ में आप उस पर काम कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इनके। वाओ, एक बहुत ही खूबसूरत बीमारी है ये, जो मुझे लगता है हर खूबसूरत इंसान को हो रखी है आजकल, है ना, और शायद बहुत सारे लोग बहुत कोशिशें करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज है खुश रहना, है ना। और खुश कैसे रहोगे जब आप सुंदर लगोगे, और सुंदर कैसे होगे अगर आप मोटे होगे तो बिल्कुल सुंदर नहीं लगोगे यार, है ना। तो ओबेसिटी जो मुझे लगता है एक बहुत भयंकर वाली बीमारी है, दिली दिली में नहीं, मैं खुद इस चीज से मुझे लगता है एक इस चीज को बहुत झेल रही हूँ और झेल भी चुकी हूँ, पर मैंने बहुत अपना भी वेट लूज किया है। तो ओबेसिटी बीमारी आदत, मैं कहूँ हमारा जो बिगड़ा हुआ रूटीन है, बिगड़ा हुआ सब चीजें ना, उसका एक नतीजा जो है वो ओबेसिटी के रूप में आता है। ओबेसिटी के सिम्टम्स सभी को पता है, नहीं एक्सेसिव, आपको जैसे जैसे आजकल एक कुछ सिम्टम्स, तो एक्सेसिव स्वेटिंग है ना, आप चलोगे बहुत जल्दी थक जाओगे, आपका सारा फैट एकदम भर भर के आता है बाहर में ना, आप ऐसे अपना फैट को ना ऐसे, एक बार मैं सौरभ सर की क्लास में गई थी तो उन्होंने बताया था कि ऐसे अपना नापो कितना है, कितना ज्यादा है उतना आपको पता लगेगा आप कितना ओबेसिटी है, एक्सेस फैट डिपोजिशन इन योर एब्डोमिनल वेस्ट somehow some, किसी किसी के चिन्स के यहाँ पे होता है, किसी किसी के यहाँ बाजुओं पे हो जाता है, तो इट इज ऑल दी साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी। पर ओबेसिटी से मुझे लगता है बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारा जो वर्क कल्चर इतना खराब हो गया, जैसे आजकल हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना, तुम्हारा मूवमेंट्स बहुत कम हो गए,
हम लोग पैदल बहुत कम चलते हैं, आजकल लोगों ने साइकिलिंग शुरू किया है, लेकिन अब जो पहले वाले लोगों के, हाँ, साइकिलिंग के लिए जगह नहीं उतनी बची हुई है ना, तो क्योंकि गाड़ियों से घर से उतरते हैं, गाड़ियों में उतरने के बाद में ऑफिस में, तो चलना फिरना बहुत कम हो रखा है। लेकिन इस पे अब ओबेसिटी हो गई है, और अगर ओबेसिटी को अगर मैं कहूँ, अगर ये जो सप्लीमेंट्स है इसको मैंने यूज करके, मतलब अपने पिछले 3 महीने में मैंने 5 किलो वजन तोड़ा है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि मैं कोविड के बाद में मेरा 15 kg वेट पुट ऑन हो गया था। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, पर मेरा हो गया था। तो मैंने अभी, जैसे मैं इस पे अभी भी काम कर रही हूँ, है ना, तो इसको अगर रूटीन में लिया जाए, जो ये सप्लीमेंट्स हैं आपके, है ना, इसमें जैसे नोनी है, डिटॉक्स है, मतलब सही चीजों को सही टाइम पे लेना है ना। आपको हर खाने के बाद में आपको ग्रीन टी का यूज करना है, ठीक है। नोनी को आप सुबह शाम लेना है, बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर डिनर, कोई भी चीज को स्किप नहीं करना है, ठीक है, खाने को स्किप नहीं करना है। स्मॉल मील्स को लेना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद में लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को थोड़ा सा कम करना है। सप्लीमेंट्स का बहुत अच्छा यूज करना है। कैल्शियम स्टार्ट करना है आपको अपना। प्रोटीन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है आपका। बेसिकली प्रोटीन का काम करता है आपका ना, आपका फैट को काटने में काम करता है, और आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। तो आपको ऑल प्लांट प्रोटीन, जैसे जैसे आप घोल घोल के पीते रहोगे, तो आपके फैट को काटेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट को काटना शुरू करेगा, फैट को काटना शुरू करेगा, और आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, प्लस आपका, आपके वेट लॉस पे आपका बहुत अच्छा काम करेगा, और आपके एनर्जी लेवल को बहुत बढ़ाता है, आपके प्रोटीन की जो डेफिशिएंसी है उसको खत्म करना शुरू करता है। और आप, क्योंकि आप देखो, आप वेट लॉस पे काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं डाइटिंग पे भी आ जाते हो, कुछ ना कुछ करते हो, लेकिन आपकी कहीं भी आपकी न्यूट्रिशनल जो 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 गैप हो जाता है, आप उसको हिलने नहीं देता है। तो आप प्रोटीन में कोई भी चीज ले सकते हो, आपका प्रोटीन क्रस्ट बहुत अच्छा है, दोनों उसका स्वाद बहुत अच्छा टेस्टी है ना, नहीं तो आप प्लांट प्रोटीन लो। आपको जैसी ही भूख लगती है, आप एक मील स्किप कर दो, स्पेशली रात वाला स्किप कर दो, और उसके बाद में उसकी जगह आप क्या करो, प्लांट प्रोटीन को गर्म पानी में हल्के निवाए, उसमें घोल के पियो, आपका एक तो भूख नहीं लगेगी, दूसरा आपको आपका फैट काटेगा, रात भर फैट काटेगा वो आपका। डिटॉक्स लो साथ में सोने से पहले, है ना, सुबह शाम डिटॉक्स लो। और अगर चाय पीने की बहुत ही बुरी आदत है, तो शुगर को एकदम खत्म करके आप हमारा जो सोल फ्लेवर है उसको आप स्टीविया पाउडर जिसको बोलते हैं, वो आप बहुत थोड़ा सा यूज होता है वो, मतलब मैं कहूँ उसमें एक ना स्पून है, उसको अगर हाफ भी यूज करोगे तो भी आपको इतना ज्यादा मीठा लगेगा वो, मतलब आपका मीठे वाली जो तलब है वो खत्म हो जाएगी, और आपकी चाय पीने की आदत भी बनी रहेगी, लेकिन आपका साथ साथ में, इसी सब के साथ में आपका क्या होगा, वेट लॉस होगा। तो अगर इन सप्लीमेंट्स को सही तरीके से यूज किया जाए, है ना, और मैं बताऊं, अगर इसी सप्लीमेंट्स में अगर मैं एक चीज और जोड़ूं आपके जो इसमें नहीं है, वो है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। मतलब कहते हैं कोकोनट ऑयल को अगर आप रेगुलर वे में कंज्यूम करने लग जाओ, 30 ml, है ना, तो आपका जो आपका वेट लॉस है बहुत अच्छा काम करता है, तो उसको भी आप ऐड करें। एक और बहुत ही खूबसूरत बीमारी है, नाम इतने अच्छे अच्छे रख दिए गए हैं, है ना, और मुझे लगता है इन्हीं के साथ आजकल हम लोग पनपने लग गए हैं, वो है माइग्रेन। सुन के ऐसा लगता है भयंकर, है ना, लेकिन जो और इसका कोई इलाज नहीं है, सबसे अच्छी चीज है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, है ना। आप जाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास दे देंगे, कहेंगे यार थेरेपीज लो, ठीक है, एक सिटिंग का आपका 300-400 रुपए ऐसा करके होता है, और आप चलते रहो, जब ठीक हो जाता है फिर आप नॉर्मल हो जाते हो, फिर आप किसी काम में रेगुलर हुए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर्स है लोगों के पास में, बहुत ज्यादा कंप्यूटर पे काम रहता है, बैठने का बहुत ज्यादा काम है, फोनों पे बहुत रहते हैं, तो माइग्रेन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आज मुझे लगता है हर दूसरे तीसरे इंसान को आप पूछोगे तो यार माइग्रेन हो रखा है, तो होता कुछ नहीं है आपको, एकदम से ना आपको एकदम बहुत ज्यादा हेडेक होने लग जाता है धीरे धीरे करके, कोई भी चीज जो आपको अनकंफर्टेबल लग रही होती है, जैसे आपको आवाज, लाइट है, आपको कोई भी स्मेल है, कुछ भी अनकंफर्टेबल लगता है, आपको हेडेक होने शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे करके बढ़ना शुरू कर देता है, और आपका जैसे जैसे आपका ये बढ़ता रहता है, आपको मतलब आपको एकदम से ना ही एकदम जैसे पीक पे होने लगता है, अगर आपने मेडिसिन ले लिया तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको वॉमिट होने लग जाएगा आपको, तो जैसे तो आपको एकदम से वॉमिटिंग होने लग जाएगी, और आपको नोजिया फील होने लग जाएगा, आपको नेक में बहुत सीवियर पेन रहता है, तो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होने लग जाता है, और आपके ना मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आपका माइग्रेन बढ़ता है, आपको स्टिफी नोज और रनिंग नोज होने लग जाती है, किसी किसी को होता है, किसी किसी को नहीं होता है। माइग्रेन के लिए बहुत बढ़िया, मतलब आप देखिए, आप ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कुछ सिम्टम्स तो ऐसे हैं जो कि कुछ सप्लीमेंट्स तो ऐसे जो कि आपकी बहुत सारी चीजों में सेम का है ना, है मतलब आप वो ले रहे हो तो आपका उससे वेट लॉस भी हो रहा है, आपका उससे एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आपका ठीक हो रहा है ना, तो कुछ चीजें बहुत बढ़िया है इसमें, है ना। तो जैसे डिटॉक्स है, पहले भी मैं बता रही हूँ, तो मतलब आपका अगर आप माइग्रेन से भी अगर आप ग्रस्त हैं, तो आप माइग्रेन आप देखो कि आप डिटॉक्स आप रेगुलर लो, इसको नियम से, पर किसी भी चीज को आप ले रहे हो तो उसका नियम बना के रखना है आपको। बेसिकली किसी कोई भी चीज अगर आप रेगुलर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, और वो चीज काम तभी करती है जब वो रेगुलर आना शुरू होती है। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया जो मुझे लगता है वो है रेड कोरियन जिंसिंग, है ना, जिसके बारे में अभी तक हमने बात नहीं करी है। रेड कोरियन जिंसिंग जो वेल के प्रोडक्ट्स में, ये सब
मतलब मुझे लगता है कि ना कि जो ये जिनसिंग के बारे में मैं बताऊं आपको कि जो ये कोरिया से लेकर के आए हैं इसको, और इसके इसके फायदे मैं आपको बताऊं, मतलब ये एक बहुत ही सबसे अच्छी चीज ये है कि ये मतलब इसको 6 से 7 साल इसको नीचे जमीन में रखा गया, और उसके बाद में मतलब वहां इसको जितनी पुरानी ये जो जिनसिंग होती है उतना उतना ज्यादा उसमें फायदा होता है। जिनसिंग एक जो रेड कोरियन, हाँ मैं जिनसिंग के बारे में बात कर रही थी आपसे ना, तो जिनसिंग बेसिकली जो है सप्लीमेंट है, ये आपकी हर एक चीज पे काम कर रहा होता है, हर एक चीज पे, आपके माइग्रेन, आपके पुराने से पुरानी कोई भी बीमारी है उसे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो अगर आप इन सबका कॉम्बिनेशन अगर आप नोनी है, आपका जिनसिंग है, आपका डिटॉक्स है, तो आपके सारे सप्लीमेंट्स आपकी जितनी, क्योंकि माइग्रेन एक दिन में ठीक नहीं होता है ना, माइग्रेन है, शुगर है, ये सब चीजें जैसे एक बार हो जाए तो होने के बाद में बहुत वक्त लगाती है इसको ठीक होने में, लेकिन अगर आप जिनसिंग को अगर आप रेगुलर लोगे तो आपके जो पुराने से पुरानी बीमारी है उस सब चीजों पे ये काम करता है, आपके ऑस्टियो अर्थराइटिस भी है, आपको कुछ भी चीज है, क्योंकि ये बहुत ही इसको सालों नीचे जमीन में रखा जाता है, उसके बाद में इसमें से दवाई बनाई जाती है। तो ये सप्लीमेंट को आप किसी को भी दें है ना, तो देने के बाद आप उसमें देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है उसका ना, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है आपका जिनसिंग। नेक्स्ट है एक एनीमिया, जिसके बारे में आपको पहले बताया था। एनीमिया इज बेसिकली जब आपका एचबी लेवल जो होता है वो बहुत ही कम होने लग जाता है। नॉर्मली लेडीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स पाई जाती है, आजकल तो खैर दोनों में ही, मेल फीमेल दोनों में ही रहता है ये एनीमिया। बेसिकली जब आपका एचबी लेवल, ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, आरबीसी और ये सब चीजें होती हैं, बट जब एचबी का आपका लेवल कम होने लग जाता है तो आपके एनीमिया की कमी, नॉर्मली जब एनीमिया कम होता है तो आपको आंखों के आगे से दिखना थोड़ा सा कम होने होने लग जाएगा, आपके बाल झड़ने लग जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर कभी कभी लो होने लग जाता है, ठीक है, आपको पैल्पिटेशन होने लग जाएगी, आपको चेस्ट में पेन रहेगा, आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लग जाती है, आप बहुत जल्दी थकने लग जाते हो, आपको स्वेटिंग आने लग जाएगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी ना मतलब नमनेस फील होती है कोर, जैसे कि आप किसी भी चीज को पकड़ेंगे तो आप बहुत अच्छे से, क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल बहुत खराब हो जाता है। तो सीवियर एनीमिया में बेसिकली आपका एकदम बाल बाल झड़ने लग जाते हैं बेसिकली ना, तो ये सारे सिम्टम्स आपके एनीमिया के होते हैं, और ये बहुत सारी चीजें कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हो जाते हैं, रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब कभी कभी किसी किसी के अंदर में ये सब चीजें ऑलरेडी पहले से भी होती हैं, जैसे कि ब्लड बड़ी बनी नहीं रहा है ना, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स को अगर हम रेगुलर लें तो ये चीज, ये जो कमी है हमारी एनीमिया वाली, इसको हम अपना पूरा कर सकते हैं और इसको खत्म भी कर सकते हैं, अगर हम जैसे बच्चों को अगर हम ध्यान दें ना, क्योंकि बच्चों में कभी कभी आजकल की ये आजकल जो जनरेशन है इसमें बहुत सारी कमियां पाई जाती हैं, तो एलोवेरा आंवला तो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा होता है, अगर आप सच में अपने घर में एक आदत बना दें है ना, हम जैसे कहते हैं ना सुबह उठ के हम चाय पीने की आदत हम लोगों को हो जाती है, अगर हम अपने बच्चों को अगर आंवला एलोवेरा का अगर अगर हम एक सुबह और शाम का अगर बना दें कि यार सुबह उठते ही उसको आंवला का मतलब हाफ स्कूप लेना है ना, जैसे 10 ml to 15 ml है ना, और दोनों को यार मिक्स करके आप दे सके, आंवला बहुत अच्छा सोर्स है आपका एचबी को इंक्रीज करने में है ना, और आपका स्पिरुलिना एक बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं। स्पिरुलिना बहुत ही अच्छा गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन भी होता है, और मतलब स्पिरुलिना का बहुत मल्टीपल यूसेज है, थायराइड में बहुत अच्छा काम कर रहा होता है आपका ना, स्पिरुलिना नोनी और डिटॉक्स का कॉम्बिनेशन। पर यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया अभी एनीमिया की बात कर रहे हैं ना, तो आप इसको स्पिरुलिना को मैंने अपने प्रेग्नेंट पेशेंट्स को भी दिया है बहुत सारे, तो स्पिरुलिना को अगर आप रेगुलर वे में अगर आप यूज करें इसको है ना, तो आपके कहते हैं ये ना कंप्लीट फूड है, आपकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी को बहुत हद तक कम करता है, और इसमें विटामिन B12 सबसे अच्छा है। B12 बेसिकली जो हमारी इंडियन लेडीज है ये सबसे ज्यादा कम पाया जाता है, जब मतलब हम कभी स्टडीज करते हैं तो इसमें बता रहे कि विटामिन B12 की कमी इंडियन लेडीज में बहुत ज्यादा मिलती है। आप मल्टी विटामिन रेगुलर लें, एनीमिया आपको है क्योंकि आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल खराब हो जाता है, और आपके ना जैसे जैसे आपके एचबी लेवल कम होता है आपकी बाकी चीजों को काटने लग जाता है। तो ये इन सब के साथ में एक चीज और जो इसमें नहीं है, स्लाइड में नहीं है, एक है हनी। अगर आप हनी को अगर आप दूध में घोल करके अगर पीने लग जाएंगे तो आपका एचबी लेवल इंक्रीज होता है, तो क्योंकि ये सब चीजें, क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं अपने बच्चों को घोल के देती हूँ हनी का एक चम्मच, वो शुगर नहीं डालती हूँ उसकी जगह मैं हनी यूज करती हूँ, और हमारा हनी जो है वो बहुत ही प्योर फॉर्म में है, आप उसको कितना भी रखें कैसे भी रखें आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट्स हैं इसके। और अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मेनोपॉज की। मेनोपॉज नॉर्मली है ना, देखिए मतलब है लेडीज प्रॉब्लम है ये एक है ना, पर बहुत ही कॉमन है जो कि मतलब एक एज के बाद में दिखने लग जाती है, पर जैसे जैसे मेनोपॉज आपका पास में आता है
तो आपका जो मतलब आपके हेयर लॉस होने लग जाता है, आपको नींद नहीं आने की एक दिक्कत हो जाती है, आपका ना बहुत सीवियर मूड चेंजेस होते हैं, मतलब आपका ना मूड कभी अप रहेगा, कभी बहुत ज्यादा लो रहेगा, आपको बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आएंगे, तो आपको एकदम से लगेगा आपके मुंह के आगे में ना बहुत ज्यादा ना आग सी जैसे जल रही है ना, आपकी बोन लॉस होने लग जाती है, क्योंकि आपका जैसे जैसे आपका मेनोपॉज आने लग जाता है, आपका कैल्शियम जो आपकी बॉडी में बनना बहुत हद तक बंद होने लग जाता है धीरे धीरे करके, आपके स्किन के बहुत सारे इश्यूज आने लग जाते हैं, आपके वजाइना में क्या होता है ड्राइनेस आने लग जाती है, मतलब जो एक मतलब कहते हैं ना एक मतलब क्या बोलूं ऑयल का जो ऑयलिंग सिस्टम होता है वो कहीं ना कहीं आपका ड्राइनेस में कन्वर्ट होने लग जाता है, क्योंकि मेनोपॉज आता है तो आपके बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होना बंद कर देते हैं बेसिकली, क्योंकि आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो जाते हैं, तो ये जो दिक्कतें हैं आपका मतलब आपका वेट बहुत बढ़ा देंगे एकदम से ना, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके मेनोपॉज जब आने लग जाता है एक टाइम पीरियड बाद में, पहले तो कहते थे इसकी एज है, पर आजकल बहुत सारे लोगों को ये 35 के बाद में भी शुरू हो जाते हैं साइन एंड सिम्टम्स ना, किसी किसी को 40 के बाद में होते हैं, और ये जो साइन एंड सिम्टम्स है ये बहुत लंबे चलते हैं, मतलब मेनोपॉज के जब तक हो नहीं आता तब तक भी चलते हैं और बहुत लंबा चलते हैं, कभी कभी आप इसको डायग्नोज भी नहीं कर पा रहे होते, तो जो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं मैं आपको बताऊं इससे रिलेटेड जो है ना, इसमें आपका जैसे नोनी है मैंने बताया ना, मतलब आप जो सप्लीमेंट ऑलरेडी आप देखो आप जो सप्लीमेंट ले रहे हो उसका सिर्फ एक ही यूज नहीं है ना, आप बहुत सारी चीजों को जिनको हो रखी हो तो है ही, अगर आप इसको रेगुलर लोगे तो जो जो बीमारियां मैं बोल रही हूँ, जो बहुत बीमारियां ना होकर के मुझे लगता है आजकल के बहुत ही ना फैंसी नेम्स हैं है ना डिजीज के, जो बताने में बड़ा अच्छा लग रहा होता है लेकिन जब आप उसको सहन करो तो बड़ा अजीब सा होता है, नहीं तो नोनी जैसे बड़ा काम कर रहा है, आपने रेगुलर लिया है, अपने बच्चों को भी दे रहे हो आपको भी दे रहे हो, तो आपको ये सब चीजें नहीं होंगी, और जो जिनको हो गई है उनको बहुत हद तक क्योर होने में बहुत हेल्प करता है, आपके फ्लेक्सीड ऑयल बहुत बढ़िया काम कर रही थी आपके स्किन के ऊपर में, आपके जो मैंने बताया वजाइनल जो ड्राइनेस जो होने लग जाती है, वजाइनल ड्राइनेस बेसिकली आपका जैसे हार्मोन सेक्रेट नहीं हो रहा है तो वो वजाइनल ड्राइनेस होने लग जाती है मेनोपॉज की वजह से, तो आप जैसे जैसे ओमेगा 369 लोगे तो ये आपका वो वाला चीज को बहुत दिक्कत को एकदम ठीक कर देता है, सीरियसली में ठीक कर देता है, आपके अंदर जो बोन्स की प्रॉब्लम होने लगते हैं वेट लॉस क्योंकि वेट गेन हो रहा है आपका ना, तो बोन्स की बहुत दिक्कत होने लग जाएगी, आपको चलने में दिक्कत होगी, आपके एंटी इंफ्लेमेटरी हो जाता है का काम करता है फ्लेक्सॉइड, आपकी सूजन को बहुत हद तक कम करता है, आपका कैल्शियम लेवल जो कहते हैं हार्मोन सेक्रेट नहीं हो रहा है ना, आपके मेंसेस आने बंद होने लग जाते हैं धीरे धीरे हो जाते हैं कम हो जाते हैं, तो आपका कैल्शियम लेवल कैल्शियम बनना बंद हो जाता है बॉडी के अंदर में, तो बेसिकली जब कैल्शियम बनना बंद हो जाएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होने लग जाती है, तो अगर आप कैल्शियम आपको अगर आप रेगुलर लोगे तो पहले ही लोगे तो आपकी कमी को जो ऑलरेडी हो गई है उसको भी पूरा करेगा और आगे होने नहीं देगा, और कोरियन जिनसिंग, मेरे को कोरियन जिनसिंग मुझे लगता है कि 30 के बाद में हर एक को लेना शुरू कर देना चाहिए, और ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है आपकी पुराने से पुराने बीमारियों को पहले तो होने नहीं देगा कोई बीमारी को, अगर हो गई है तो उसको ठीक करने में आपकी बहुत हेल्प करता है, और आपका सबसे बड़ी चीज आपका एनर्जी लेवल इतना हाई रखता है, मतलब तो आपका जिंसिंग इतना आपके एनर्जी को इतना ज्यादा हाई रखेगा, अगर आप बीमार भी हो गए ना अगर तो आप तो भी आपको लगेगा कि आपके अंदर में ना कोई भी वीकनेस नहीं है, मतलब मैंने ये खुद फील किया है अपने कोविड टाइम पे, मैंने जिंसिंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा, और मतलब मेरी मेरे सांस फूलने लग जाते थे, मैं थोड़ा सा भी चलती थी वॉशरूम तक भी जाती थी तो भी मेरे सांस फूलने लग जाते थे, तो मेरा कोरियन जिनसिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी इन सब चीजों में ना। नेक्स्ट एक बहुत मतलब दिल्ली वालों की मुझे लगता है ना ये सारी बीमारियां ना जो है ना हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो बीमारियां हैं आपस में इंटर रिलेटेड है, आप देखेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल ओबेसिटी का इट इज वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ ओबेसिटी, तो हाई कोलेस्ट्रॉल के जो सिम्टम्स हैं आप कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ेगा आपको क्या होगा लूज स्टूल होने लग जाएंगे, आपका डायरिया होने लग जाएगा आपकी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना बढ़ा हुआ है तो आपका भूख एकदम बढ़ जाती है, आप बहुत जल्दी थकने लग जाओगे, आपका वेट गेन होने लग जाएगा, और इन सब चीजों की वजह से कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में आने लग जाओगे, आपका स्टमक डिस्टेंडेड रहेगा बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कभी एकदम डायरिया होने लग जाएगा, मतलब आपको एक बहुत ही अनकंफर्ट डिस्कम्फर्ट वाला एब्डोमिनल मिलेगा, और सबसे मतलब सबसे भयंकर वाली चीज जो हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल पे होने पर होती है वो है हार्ट पेन, जैसे जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो क्या होता है कि थक्का सा जमने लग जाता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर में, आपके जो वेन्स के अंदर में, आपकी आर्टरीज के अंदर में, उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं आपका बहुत हद तक ना उससे अफेक्ट होने लग जाता है, और जिसकी वजह से जब ब्लड फ्लो अफेक्ट होगा तो क्या होगा, या तो हाई ब्लड प्रेशर होगा या लो ब्लड प्रेशर होगा, और जब ये चीजें जो रूटीन में जब नहीं हो रही होती है, जब जो खून जिस तरीके से जाना चाहिए तो वहां पे क्या हार्ट की प्रॉब्लम होने लग जाती है, और कहीं ना कहीं दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर योर हार्ट अटैक्स एंड ऑल, तो सप्लीमेंट्स हम जिसकी बात कर रहे हैं अभी तक है ना, देखिए आप ये पहले भी ले रहे थे आप है ना, मैंने बताया आपको कार्डियो एक्टिव बहुत बढ़िया काम करते हैं, कार्डियो एक्टिव बेसिकली आपके बड़े भाई वाला काम कर रहा होता है ना, बड़ा भाई जो आपको हर वक्त संभाल के रखता है, आपको जरूरत है चाहे आपको जरूरत नहीं है लेकिन वो आपका साथ नहीं छोड़ता है कभी, तो कार्डियो एक्टिव ऐसे सुनने में लगता है कि कार्डियो
एक्टिव तब उन्हीं लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा ना ये गलत फहमी होती है कि कार्डियो एक्टिव ना उन्हीं को देना चाहिए जिनको ना हार्ट की, नहीं ऐसा नहीं, हार्ट की प्रॉब्लम है उनको नहीं, कोई भी ले सकता है। आपकी हार्ट से रिलेटेड जो भी चीजें उसको ये ठीक करता है, और जिस और ना होने दे उसको पहले से उसको एक मतलब एक ऐसा सप्लीमेंट बेसिकली अखरोट बादाम का काम कर रहे हैं, है ना, आपको कोई चीज आगे भी नहीं होने देंगे। तो कार्डियो एक्टिव आपका बेसिकली आपकी हेल्दी हार्ट के लिए है, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, आपके ब्लड को फ्लो को बनाए के रखेगा, उसको मोटा नहीं होने देगा, वहां पे थक्का नहीं होने देगा, फ्लेक्सुरल बहुत अच्छा काम कर रहा होता है उसमें, ओमेगा 369 की कमी को पूरा कर रहा होता है आपकी, है ना। और आप गार्लिक पर्ल एक जो है बहुत बढ़िया चीज है, जिन लोगों को लहसुन, लहसुन कहते हैं कि रामबाण है बहुत सारी बीमारियों का, पर बहुत सारे लोग जैसे हमारे से पंडित लोग हैं, हमारे घर में लहसुन नहीं मतलब कहीं भी नहीं डलता है, तो बड़ी दिक्कत थी। अब लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन लहसुन की इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, आप कैसे उसको पूरा करोगे। तो ये तीनों चीजों से मिलकर के आप अपनी उस सब चीजों को रोक सकते हैं। फिर है डायबिटीज। डायबिटीज बेसिकली शुगर का आपका लेवल बढ़ जाता है। शुगर का लेवल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि आपका इंसुलिन कहीं ना कहीं खत्म होने लग जाता है, इसकी बहुत सारी चीजों की वजह से होने लग जाता है। आपको डायबिटीज होगी तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती है, मतलब आपको वजाइनल में इन्फेक्शन होने लग जाएगा, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी, नमनेस आने लग जाती है, आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, आपका विजन बहुत खत्म होने लगता है, विटामिन ए बहुत हद तक कम हो जाता है, और आप हमेशा थके थके रहोगे, और बहुत एकदम से अगर डायबिटीज लेवल बढ़ जाए तो आपका वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है, और आपको बहुत फ्रीक्वेंट अगर आपका डायबिटीज का लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ा है, एच बी ए वन सी एक वो होता है, इसमें एक टेस्ट होता है, अगर वो बढ़ा हुआ है तो आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की भी बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है। तो इसमें जो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स होते हैं आपके देखिए अभी सारे सप्लीमेंट्स ऑलरेडी यूज कर रहे थे ना, लोनी है, स्पिरुलिना है, ग्रीन टी है, रेड कोरियन जिंजिंग है, मतलब ये आप ये सब चीजों को यूज करो। रेड कोरियन जिंजिंग आपका बेसिकली ब्लड डायबिटीज की पुरानी से पुरानी बीमारियों को, पर आप इसको लेना इसको रेगुलर है, बेसिकली लेना रेगुलर है आप इसको रेगुलर रेड कोरियन जिंजिंग को, तो आपकी पुराने से पुराने डायबिटीज भी ठीक कर देता है, और जिनको नहीं है उनको होने भी नहीं देता है। तो स्पिरुलिना बहुत, क्योंकि इसे विटामिन बी12 बहुत अच्छा है।